Arunachal Congress MLA Ninong Ehring is all set to introduce a bill restricting individuals with more than one wife from contesting elections. MLA Ehring will be introducing the bill in the monsoon session of the 7th Legislative Assembly of Arunachal Pradesh, which began today. While the state government will table crucial bills during the session, a private member's bill, Arunachal Pradesh Monogamy Election Eligibility Bill 2023, will also be tabled on the second day of the session. Speaking to the media today, Ehring said that the bill aims to promote monogamy, strengthen family values and ensure transparency and accountability in the political sphere. Assam mein हेमंत विश्व शर्मा इसको शायद दिसंबर में इस विधेयक को लेके आ रहे हैं कि पॉलीगैमी के अगेंस्ट में, तो वैसे यहाँ पे भी मैंने कहा कि पंचायती राज हो या हमारा लोकल अर्बन बॉडीज हो या हमारा विधानसभा में हो, वो एक आदर्श होना, सिद्धांतवादी होना है। तो स्पीकर साहब ने कहा कि यहाँ के लोग तो नहीं जानते या जानकारी होते हुए आपको इसको डिफीट करेंगे, तो उससे अच्छा इसमें सबको बहस कराओ। तो मैंने सोचा कि सच में मैं इसको बिल को आई बेग लीव टू इंट्रोड्यूस द बिल करके मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा और मैं तो अकेला आइज बोलूंगा और सब अगर उसको नोज बोलेगा तो डिफीट हो जाती है। तो इसलिए इसको हम लोग प्राइवेट मेंबर्स बिल 6 को लाएंगे, आप लोग सब उसमें शरीक होइए, शामिल होइए, आप सुनिए हमारा क्या प्रस्ताव। हम किसी को दिल नहीं दुखाना चाहता है, हम किसी जो अभी स्थानीय विधायक सब हैं उन बहुत हमारे बीच में भी दोस्त हैं जिसके 2 या 3 बीवियां हैं, लेकिन हमने कहा कि भविष्य में, अभी का 24-29 तक शायद नहीं भी हो सकता है, लेकिन भविष्य में हम जैसे नेता हैं जो यहाँ के सदस्य आते हैं वो एक सिद्धांतवादी होना है, एक आदर्श वाला, एक सब जो पब्लिक जो जनता है उसको देखना है कि भाई ही शुड बी आवर रोल मॉडल, सो दैट काइंड ऑफ थिंग शुड बी इंट्रोड्यूस। सो मैं कोशिश किया हूँ, शायद बहुत लोग मेरे खिलाफ़ जाएंगे, बहुत लोग हमारे बहस में भी शायद हमारे खिलाफ़ बोलेंगे, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कस्टमरी लॉज को मैं मान्यता नहीं देता हूँ या उसको हम सम्मान नहीं करते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कस्टमरी लॉज में आपको 2-3 बीवी लेना है बोल के वो भी नहीं है। तो इट डिपेंड्स, इट इज़ अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड हाउ यू कीप द फैमिली। लेकिन अगर आप नेता बनते हैं, आप पंचायत में आते हैं, आप लोकल अर्बन बॉडीज में आते हैं या आप काउंसिलर बनते हैं या विधानसभा में आते हैं, तो वहाँ पे एटलीस्ट लोगों को आदर्श बनना है, उनको एक रोल मॉडल दिखाना है, वही मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको लाने की।